मित्रों नमस्कार। आज की कविता है शहर कभी बूढ़े नहीं होते। मेरे एक मित्र इन दिनों एकांतवास में हैं, इसलिए उन्हें फुर्सत ही फुर्सत है। कल स्काइप पे थे, पूछने लगे दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है। मैंने तत्काल जवाब दिया बनारस। कहने लगे यार तुम तो पूरी दुनिया घूमते रहते हो, मुझे लग रहा था तुम लंदन पेरिस या न्यूयॉर्क का नाम लोगे। देखा अपना वाराणसी ही दुनिया का सबसे पुराना शहर है। मैंने सोचा इसका उत्तर उन्हें दे ही दो कि शहर कभी पुराने या बूढ़े नहीं होते हैं, शहर हमेशा जवान बने रहते हैं, शहर खोजते रहते हैं अपने आप को लगातार, क्योंकि इनमें बसती है जन जीवन की धड़कन, इनमें बसती है सभ्यता और संस्कृति जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं रहती, लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनकर जीती है। शहरों की असल प्राणवायु यहाँ आने वाले लोग होते हैं जो लौटते समय उसका हिस्सा बनकर पूरी दुनिया में उसे ले जाते हैं। यही नहीं, शहरों की भाषा भी खोजती रहती है अपने आप को, कुछ आने वालों से सीखती है, कुछ जाने वालों के साथ भी चली जाती है। मुकुटधारी यहाँ के सिंहासन पर कुछ साल बैठते हैं, फिर यहाँ की मिट्टी बन जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, शहर तो फिर वापस अपनी रफ्तार से चलने लगते हैं। शहर एक नशा भी है, एक बार आपको लग जाए तो फिर आप इसके सरूर में जीते हैं। शहर के सरूर में जीने वालों की तादाद बहुत है। बंबई को ले लीजिए, कितने ही लोगों को और शहरों से बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रस्ताव मिलते रहते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पर इन प्रलोभनों का कोई असर ही नहीं होता। यहीं अपनी तंग हाली में इस शहर के साथ सरूर में काट लेते हैं ज़िंदगी। इसीलिए मैं कहता हूँ शहर कभी बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने आप को यहाँ के लोगों के साथ ही खोजने में लगे रहते हैं।